श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप लोगों पर वेदांत के संस्कार है, ये बहुत अच्छी बात है। वेदांत के संस्कार वो होते हैं कि पुराने संस्कारों को मिटा करके नए संस्कारों का निर्माण नहीं करते। जैसे समझो आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो पहले तो मैं अधर्मी था, अब मैं धर्मी हो गया हूँ, और आगे घुसो और आगे आ जाओ, फिर मेरे सर पे मत बैठना, कहीं भी बैठ लो। तो पहले मैं अधर्मी था, अब मैं धर्मी हूँ, पहले मैं मदिरा पीता था, अब मैं दूध पीता हूँ, तो ये मैं बना रहता है। यदि हम माने आप सब पर वेदांत के संस्कार है तो पुराने संस्कारों को मिटा करके नए संस्कार निर्माण नहीं करने। लेकिन फिर भी दुनिया में जीना है तो संस्कार तो चाहिए। पशु पक्षियों को संस्कार नहीं होते, तो यदि हम पर संस्कार नहीं होंगे तो हम तो पशु पक्षी हो जाएंगे। हम अपने संस्कारों के कारण ही, हम लोगों में धर्म है, पशु पक्षियों में कोई धर्म नहीं है, उसमें माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, गाय और बछड़ा होता है, सांड और बछड़ा कहीं होता है क्या? कारण क्या है? कारण यही है कि बछड़ा किसका है पता ही नहीं। अपने यहाँ जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चे को बताए ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, तो माँ बताती है कि मैं तेरी माँ हूँ, और वो बताइए तेरे पिताजी है। लेकिन पक्षियों में या जानवरों में ये कुछ होता नहीं, क्योंकि उनमें धर्म नहीं है। देखो तो हम में मातृधर्म पितृधर्म सभी धर्म होते हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। और ये जो संस्कार है, ये दो प्रकार के संस्कार है। एक ऐसे संस्कार है कि जिसके द्वारा हम उससे प्रभावित होकर के स्वयं दुखी रहते हैं और जगत में दुख को भी और दुख को ही प्रकट करते हैं। हम तो दुखी हैं, पब्लिक को दुखी करके छोड़ेंगे। दूसरे संस्कार ऐसे होते हैं कि हम भी मौज में और यही आनंद को जगत में फैलाते हैं। दोनों संस्कार है। हमारे साधु संत कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणां
धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य का मनुष्य होना धर्म के कारण है, यदि धर्म नहीं है तो मनुष्य नहीं है, और धर्म होता है संस्कार रूप से। लेकिन अभी आपने कहा कि पहले मैं लेट उठता था, अब मैं जल्दी उठता हूँ, पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ, पहले मैं गाली देता था, अब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, तो अपना मैं तो बना रहता है ना। तो वेदांत की शिक्षा यही है कि हमको मैं को मुक्त नहीं करना है, हमको मैं से मुक्त होना है। रहने दो, कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। तो मैं से मुक्त होना है, और इस मैं से मुक्त होने के लिए ही भगवद गीता है। भगवद गीता में कितनी बातें बताई है, एक दो नहीं, पहले बताई है अर्जुन विषाद योग, उसके बाद सांख्य योग, फिर कर्म योग, कर्म संन्यास योग, क्या क्या बताया है, 18 बताए योग, 1.5 दर्जन, एक दो ने। अब उसमें जितना बताया है भगवान ने अर्जुन को, उसमें से अर्जुन ने एक भी नहीं किया। किया क्या उसने, क्यों, कैसे करता वो, कहाँ था वो, युद्ध के मैदान पर। और युद्ध के मैदान पर दोनों तरफ से शत्रु खड़े हैं हाथ में बंदूक लेकर के, और हम कहेंगे क्या, बड़ी माफ करना मेरा मेडिटेशन का टाइम है, नहीं। तो पूरी भगवद गीता में जो बताया है उसका निचोड़ क्या है, ये आप समझ लो तो आपने भगवद गीता समझ ली। निचोड़ यही है, मनुष्य जब अपने संस्कारों के द्वारा प्रभावित होता है तब एक बड़ा क्लिष्ट व्यक्तित्व, जिसको कहते हैं कि मैं पैदा हो गया, अर्जुन में वो हो गया था। 3 प्रकार के मैं होते हैं, एक तो आलसी मैं, तमोगुण के प्रभाव में आया, तो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना है, जीना है परसों, उससे तो उसका उद्धार हो सकता है, आलस छोड़ करके अच्छा अपना भला कर सकता है, एक बात। दूसरा मैं होता है रजोगुण का, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, वहाँ वहाँ, उसका भी उद्धार हो सकता है। कैसे, आदमी दुनिया भर में लगा रहता है ये करूँगा वो करूँगा, और एक हर बार ऐसा झटका लगता है कि आदमी सोचने लग जाता है, देखो, तो उससे भी आदमी निकलने की संभावना है। लेकिन यदि कोई सत्वगुण में रह करके कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं नहा लेता हूँ, फिर मैं ध्यान करता हूँ, और फिर मैं गीता का पाठ करता हूँ, और फिर मैं घास खाता हूँ, मांस नहीं खाता, मैंने तो चाय तक नहीं छुई है, सिर्फ दूध ही पीता हूँ, अब इस आदमी का क्या उद्धार होगा, तो मैं तो सबसे अच्छा हूँ ना। और फिर ऐसे लोग क्या कहते हैं, हम लोगों के जैसे नहीं है, 9 बजे उठते हैं, हम तो जल्दी उठ जाते हैं। देखो, मनुष्य को अपने अच्छाई का अभिमान जो होता है वो इतना भयानक होता है कि उसके द्वारा अपना तो अच्छा कर नहीं सकता, लेकिन दूसरे का सत्यानाश कर देता है। वो अच्छाई क्या काम की, कि जिस अच्छाई के कारण हम अन्य के दोषों को देखे और अन्य को बुरा कहे, क्या वो अच्छा ही है। देखो, अर्जुन में ये दोष आ गया था, इसीलिए अर्जुन जब कहता है कि अब वो आया कि इसलिए था युद्ध करने के लिए, लेकिन उसमें ये 2 दोष थे। एक दोष ये था कि वो अपने को बड़ा अच्छा मानता था, स्वयं उसके स्वयं के शब्द है, अस्माभि प्रपश्यत भी, हम जो समझदार है, और कौरों को ने दुर्बुद्धि है, जो व्यक्ति अपने को अच्छा
और अन्य को दुर्बुद्धि कहता है वो कैसे अच्छा होगा। ये दो बातें प्रभु को पसंद नहीं है। देखो अब युद्ध के मैदान में भगवान तो ड्राइवर थे, सिखाना तो है ही उसको, तो क्या करे। फिर उन्होंने वहां एक समस्या निर्माण कर दी, समस्या नहीं थी। अर्जुन तो युद्ध करने के लिए आया था, तैयार था, मरेंगे या मारेंगे, समस्या तो थी नहीं, युद्ध ये समस्या नहीं थी। तो जब वो कहता है कि मुझे दो सैन्य के बीच में ले चलो, देख तो लूं कौन माई का लाल है, मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। देखो जब इस प्रकार से हो रहा था, भगवान ने कहा अब समय आ गया है। देखो जब लोहा गर्म होता है ना, तभी उसके ऊपर भी घाव पड़ सकता है, नहीं तो वो बदलेगा नहीं। तो भगवान ने देखा कि अब समय आ गया है, और उस समय भगवान ने रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए। अब ये कल्पना करो आप, यदि भगवान अर्जुन का रथ दुर्योधन दुशासन के सामने ले जाते तो अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न आता क्या? देखो हमको कई बार लोग पूछते हैं कुछ, हमने कहा भाई देखो हमारा सिंपल सिद्धांत है, आइदर कन्विंस और कन्फ्यूज। देखो कन्विंस हो गए तो ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज करके छोड़ेंगे, दुखी होते रहो। हमारे कन्हैया लाल ने यही किया, उन्होंने भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए और फिर चुप नहीं रहे। वो वहाँ बताते हैं कि तुमको युद्ध किससे करना है जानना चाहते हो ना, तुमको अपनों से युद्ध करना है, दुश्मनों से नहीं। देखो दुश्मन कभी समस्या होता ही नहीं, समस्या अपने होते हैं। देखो महाराज ये हमारे सबके जीवन की कहानी है। तो उसकी समस्या युद्ध की नहीं थी, उसकी समस्या दादाजी या गुरु की नहीं थी। समस्या क्या थी? मेरे दादा मेरे गुरु, उनको मैं कैसे मारूं? यदि आपके दादा आपके गुरु हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माने युद्ध करना मारना ये समस्या नहीं थी। समस्या थी मेरे दादा मेरे गुरु, उनको कैसे मारूं? तो ये समस्या हम सबकी है। अब युद्ध के मैदान में जब कोई व्यक्ति है तो कौन है? गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाने वाला कौन होता है? सिर्फ ड्राइवर। मैं अमीर बाप का अमीर बेटा हूँ, समझ क्या रखा है यार, तू कुछ भी हो अभी ड्राइवर है, ठीक से गाड़ी चला। देखो तो अपना जो महामंत्र है ना, वेर एवर यू आर वॉट एवर यू आर बी 100%। अब अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान में। कब? युद्ध के समय। तो उसने क्या होना चाहिए था? योद्धा। लेकिन बना क्या वो? तो पोता बना, शिष्य बना। तो ये जो समस्या है, हम दो क्षण के लिए भूल जाते हैं कि हम कब कहाँ क्या है। इतना ही स्मरण रखना, यही भगवद गीता का उपदेश है। देखो जहां भी एक्सीडेंट होते हैं उसका यही कारण है, कहीं ना कहीं मन भटकते रहता है और भूल गए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, जाके ठोक दी। देखो महाराज इसीलिए पूरी भगवद गीता का तात्पर्य इतना ही है, हम हमेशा 24 घंटे 100% रहें।
भूतकाल से सीखना है, भूतकाल के संस्कारों को मिटाना है। अब अर्जुन की समस्या क्या थी कि मेरे दादाजी ने मुझसे इतना प्रेम किया था। महाभारत में आता है कि अर्जुन ही एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको भीष्माचार्य जी के कमरे में प्रवेश करने का अनुमति थी, उनके कमरे में कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था, नियम था नहीं आना। तो इतने क्लोज थे, अब उनको मैं कैसे मारूं? अब उनकी समस्या ठीक ही थी, कैसे दादाजी को मारूं? देखो महाराज, लेकिन सवाल ये था, क्या पोता दादा को मार रहा था? क्या वो दादा को समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध में मुझे अर्जुन को मारना है? लेकिन वो समझदार थे और अर्जुन बेवकूफ था। तो बेवकूफ़ी क्या है? यही है, हमको इतना ही याद रखना है, हम जब जहाँ जो है 100% रहो। देखो तो जहाँ है तो आपने देश को जीत लिया, जब है आपने काल को जीत लिया, और जो है आपने मैं को जीत लिया। देखो देश, काल और व्यक्ति तीनों को जीत लिया। तो फिर जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति के परे होता है वही तो परमात्मा है ना। परमात्मा क्या है? जो देश, काल, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है वही परमात्मा है। देखो तो परमात्मा के द्वारा पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। देखो अभी हम अपने आंखों से आप सबको देख रहे हैं, और उन्हीं आंखों से रास्ते में हमने गधे को देखा, तो आपको देखा तो पुण्य लगा, गधे को देखा तो पाप लगा क्या? परमात्मा में पाप पुण्य नहीं होता, परमात्मा केवल प्रकाशक है, प्रभावित नहीं होता। तो पूरी साधना यही है, देखो सुनो प्रकाशक, आगे मत बोलो। अर्जुन ने क्या 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 किया? देखा, और वो युद्ध के ललकार सुनी और बोलने लग गया। यदि मैं वहां होता तो अर्जुन नहीं बोलता। अर्जुन को यह मंत्र मिला ही नहीं था बेचारा, लेकिन आपको मिला है ना, अब आप इसका पालन करो। लगता है कि ये ऐसे ही खामो खाम कुछ तो भी स्वामी जी ने बता दिया है। नहीं महाराज, इसके पीछे प्रभु का अनुग्रह है। देखो तो यदि हम अपने जीवन में इसको याद रखें कि हम केवल प्रकाशक है, और प्रकाशक कौन होता है कि जो जिसको प्रकाशित किया जाता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। आप लोगों ने पंचदशी पढ़ी है, मैंने सुना है, उसमें 10वां अध्याय है, उसको कहते हैं नाटक दीप। आपने पढ़ी होगी, हमने नहीं पढ़ी, ठीक है मैंने पढ़ी है। उस नाटक दीप में आता है कि जैसे ये बल्ब है ना, नाटक के स्टेज पर बल्ब होता है, अब वहाँ समझो डिस्कोर्स चल रहा है, अभी यहाँ डिस्कोर्स चल रहा है, तो ये बल्ब जो है प्रकाशित कर रहा है। समझो डिस्कोर्स खत्म हो गया, फिर आप लोग यहाँ डिस्को शुरू कर दो, तो वो प्रकाश को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितनी सरल बात है, फर्क पड़ने लग जाता है तब वहां मैं पैदा हो गया। और ये अपनी हर एक की अनुभूति है,
हम कानों से भगवान का नाम सुने या किसी ने गाली दी वो सुन ले, या कोई संगीत सुने या ये गधे का चिल्लाना सुन ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन में भी अच्छे विचार आए या बुरे विचार आए, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जागृत रहे स्वप्न रहे तो कुछ मिला नहीं, सुषुप्ति रहे समाधि रहे कुछ खोया नहीं। जो अस्ति नास्ति इन दोनों का प्रकाशक है वो अस्ति नास्ति के परे है। इधर ही हमको अपना ध्यान रखना है, बाकी तो ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। किसी को सुधारना नहीं, किसी को बिगाड़ना नहीं। भगवान हमको नहीं सुधार सका और हम दुनिया को सुधारने निकले, सी हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को साथ लेके डूबेंगे। देखो महाराज, तो जगत में फिर कैसे रहे? आप प्रसन्न रहो तो आपने सब साधना कर ली। भगवान ने दुनिया दुखी होकर के नहीं बनाई, जैसे कई माताएं गुस्से गुस्से में रोटी बनाती है ना, वैसे नहीं बनाई भगवान ने दुनिया, बड़े प्रेम से खुश होकर के बनाई। देखो तो ना कुछ पाना ना कुछ खोना, बस लाइफ में टाइम पास हो रहा है। ये केवल चिंतन की बात है, करना कुछ नहीं है। जब हम नहीं थे दुनिया में, कुछ कमी थी क्या? कुछ कमी नहीं। जब हम चले जाएंगे तो कुछ कमी होगी? तो जब हम नहीं थे तब कमी नहीं थी, जब जाएंगे तब कमी नहीं होगी। अब होने से क्या फर्क पड़ा? इसीलिए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसीलिए महाराज 15वें अध्याय का सूक्ष्म चिंतन करो। पूरे शास्त्र वेदों का निचोड़ कहते हैं उपनिषद, उपनिषदों का निचोड़ है भगवद गीता, भगवद गीता का निचोड़ है भगवद गीता का 15वां अध्याय। तो उसमें क्या क्या बताया है? पहले तो दुनिया क्या है, जगत क्या है, फिर जीव क्या है, फिर साधना क्या है, फिर भगवान क्या है। इन चारों चीज़ों को समझ लो तो समझ में आएगा वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, तब जा करके हमने अपने आप को समझा है। तो क्या अनुभव होगा? जैसे द्वैत का दर्शन होना ये समस्या नहीं है, द्वैत के द्वारा प्रभावित होना ये समस्या है। जैसे जिह्वा और दांत द्वैत है, तो जो अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा जब कट जाती है तो उसमें संसार निर्माण होता है क्या? नहीं। जिह्वा ये नहीं कहती चलो इसको निकाल डालो, नहीं, क्योंकि द्वैत का भेद होते हुए भी भेदभाव जब निर्माण नहीं होता तब हमारी अद्वैत निष्ठा है। तो द्वैत क्या है? अपने रिश्ते नाते, माता पिता भाई बहन जो भी रिश्ते नाते वो द्वैत है, वो रखना ही चाहिए। देखो लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। प्रभावित कैसे होते हैं हम लोग? अपनी लड़की है तो दूध से धुली है और बहू है तो भयानक खराब है, हो गया संसार शुरू। दोनों भी तो अलग ही है ना, लड़की भी अलग है बहू भी अलग है,
देखो हर घर की यही कहानी है। तो यदि आपने वेदांत का श्रवण किया है तो आपने दुखी होने का अधिकार खो दिया। अब आप दुखी नहीं हो सकते। इसीलिए संतो सत्संग के द्वारा परिस्थिति नहीं बदलती। आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो ट्रैफिक नहीं सुधरता, आपकी ड्राइविंग करने की क्षमता सुधरती है। इसी प्रकार से यदि हम अध्यात्म में चल रहे हैं दुनिया नहीं सुधरेगी, दुनिया ऐसी ही थी ऐसी ही रहेगी। किसी को भी सुधारने का प्रयत्न कभी मत करना। हम कहने के लिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन हम इसको नहीं मानते। क्यों? भगवान यदि जगत गुरु थे तो दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र क्यों नहीं माने उनकी? देखो महाराज, तो गुरु कौन होता है? बाहर कोई नहीं होता, गुरु अपने अंदर में अनुभूतियों से सीख करके स्वयं को बदलने की जो भूख है वो गुरु है। अपने को बदलना है। बाहर के गुरु महाराज वहाँ के वहीं रहेंगे। देखो कितने महात्माओं के कितने शिष्य होते हैं, उसमें से एक हाथ निकलता है। और वो कौन होता है? जिसने स्वयं को बदलने के लिए निर्णय ले लिया है। जिस दुनिया को जिसने दुनिया निर्माण करी वो तो नहीं सुधार सका। देखो भगवान जब कहते हैं ना कि मैंने ही दुनिया का निर्माण किया है, मैं ही जगत का माता पिता धाता भ्राता सब कुछ हूँ, तो उन्होंने दुनिया को निर्माण किया, तो वो अपने दुनिया को नहीं सुधार सकते। हम किसको सुधारेंगे? तो फिर अपने आप को बदलना है। तो पूरी जो साधना है इसका इतना ही तात्पर्य है। अच्छा, हम सुधर गए हैं या सुधर रहे हैं ये किसको जाके पूछेंगे? हमने खाना खाया तो जाकर के इसको पूछा मेरा पेट भर गया क्या? ये तो अपना अनुभव होता है ना, लेकिन अध्यात्म में ऐसे नहीं होता। जब हमने परिवर्तन आता है ना तब हमसे ज़्यादा दूसरों को पता चलता है। एक आपको उदाहरण देते हैं, एक अम्मा है हमारे बहुत अच्छे घर के करोड़पति, उनके घर में 3-4-6 नौकर हर चीज़ के लिए। तो जिंदगी भर उन्होंने सबको नौकरों को ऑर्डर देना चिल्लाना इसके सिवा कुछ काम नहीं किया। अब उनके 2 बच्चे लड़का लड़की सबकी शादियां हो गई, अब खाली हो गई। तो मुझे कहा कि स्वामी जी मैं अब किसी आश्रम में जा कर के सेवा देने की विचार करती हूँ क्योंकि अब मैं खाली हो गई हूँ। हमने कहा तुम और सेवा, जिसने जिंदगी में एक गिलास अपने हाथ से नहीं उठाया तुम वहाँ जा कर के उस आश्रम के भगवान को ऑर्डर देगी, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा तो यदि रियली कुछ करना है तो हमारे टॉक ले लो, कोई भी एक टॉपिक इंग्लिश में हिंदी में जो उनको अच्छा लगता है सुनो, सुन करके लिखो, लिख के DTP करो, फिर हमको भेजो। तो उन्होंने मान लिया। अब रोज उसका ये धंधा हो गया, कम से कम 2-3 घंटे उसमें निकल जाते हैं। तो ये होते होते जब दूसरी बार जब मैं उनके घर गया तो किचन के जो काम करने वाले लड़के थे, किचन जो रसोईया मतलब जो भी था, वो मेरे पास आकर के कहते स्वामी जी क्या
बीवी जी में बहुत फर्क आ गया, अब वो डांटती नहीं है, चिल्लाती नहीं। उसको नहीं पता चला है, लोगों को पता चला। देखो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्व। अच्छा एक दिन कुछ कारण से वो जरा कुछ गुस्साने लग गई, कुछ हो गया होगा लगे, तो उनके सास ने क्या कहा मालूम है, बेटा आज तुमने वो स्वामी जी का लिखा नहीं क्या? देखो महाराज, तीन चीजें, लिखना, पढ़ना और चिंतन करना। देखो लिखना शरीर से, पढ़ना वाणी से और चिंतन करना मन से। जब हमारे ये तीनों इंद्रिय, तीनों हम तीन ही चीज तो काम करते, शरीर से काम करते, वाणी से काम करते और मन से काम करते, ये तीनों को एक कार्य में लगाओ, देखो परिवर्तन गारंटीड है। हमारा अध्यात्म जुम्मे के जुम्मे, देखो आपको बताएं सत्संग की बात, आप चाहे खाना खाओ मत खाओ, आप चाहे एकादशी करो मत करो, आप चाहे मंदिर में जाओ मत जाओ, आप नहाओ या नहाओ कोई बात नहीं, लेकिन यदि सत्संग नहीं करते तो महापाप है। आपको नित्य निरंतर सत्संग करना ही है, करना ही है, करना ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। मेरे तरफ देखो, मुझे जलन हो रही है, मालूम है मैं बूढ़ा हूं लेकिन सुंदर हूं। गधे को भी अपना चेहरा सुंदर लगता है मालूम है। धीरे धीरे आपका मन सहज शांत रहने लगेगा। जो मन सहज शांत होता है ना, उसमें उसकी स्थिति कैसी है देखो, कोई एक तालाब है, उस तालाब में आप सूखा पत्ता भी डालो तो वहाँ तरंगे शुरू हो जाती है ना, क्योंकि वो डीप नहीं है। समुद्र में पूरा का पूरा जहाज समा जाता है, एक भी लहर नहीं आती। देखो यदि हम अपने ज्ञान के गहराई में है, ज्ञान के गहराई को ही चैतन्य कहते हैं, और ऊपर ऊपर का जो ज्ञान है उसको मन कहते हैं। मन और चैतन्य एक ही है। ऊपर ऊपर जब रहेंगे तो वो लहरों के कारण ऊपर नीचे जाते रहेंगे। जो व्यक्ति स्वयं विक्षेपित होता है वो दूसरे को शांत देकर के और गुस्सा करता है, मैं इतनी गुस्सा करी जा रही, इनको कुछ होता ही नहीं। देखो इसीलिए महाराज सबसे बड़ी साधना यही है, मौज में रहो, दुनिया के चक्र में मत पड़ो। देखो ये तो इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, पता नहीं स्वामी जी का लेक्चर कब खत्म होगा, भूख लगी है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे वो दिव्य दृष्टि होती है ना, मुझे दिव्य शक्ति है। अब ये तो बोलने का बंद ही नहीं करते, अब ये महात्मा जी आ गए, खाने का टाइम हो गया, मुझे बताया था कि जब ये आ जाएंगे तब खाने का टाइम होगा। खाने के लिए ही आए। देखो पंजाबियों का खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत रिच होता है ना, इसीलिए पंजाबी लोग हृष्ट पुष्ट होते। लेकिन स्वामी जी आज बैंगन नहीं बना। फिर क्या बना? बहुत बढ़िया है।
बस संतो मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपने आप को खाली मत रखना, लेकिन खुरापत भी मत करना, अपने आप से बिजी रखो। कभी घर की साफ सफाई कर ली, कभी अपने कपड़े स्वयं को धोने हैं, उसको ठीक से प्रेस करके रखना है, कपड़े अच्छे पहनो, ऐसे नहीं कि वही कपड़े पिछले 36 साल से पहने जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल स्मार्ट रहो। आप देखो ना, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है कितने बिजी रहते, कभी देखा उनको शैबी है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्टूपिड थिंकिंग एंड शैबी लिविंग। देखो कई बार यही होता है, महात्मा माने क्या हो गया, महात्मा हो गए, रो गए क्या कोई? कोई भी व्यक्ति जब हमारे तरफ देखे तो उसको प्रसन्नता होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वही थे उनके शांति निकेतन में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जरा वॉक करने चलते, बोले ठीक है 10 मिनट में आ जा। 10 मिनट में गए को, मैं अभी आ रहा हूँ। वो आ गए और ये अपने अंदर गए और 15 मिनट के बाद बाहर आए। बोले क्या कर रहे थे? बोले मैं तैयार हो रहा था। बोले क्या तैयार होना है? हमने आपकी तो फटी से थोड़ी हूँ मैं जब चलता हूँ रास्ते से तो लोग देखते हैं, खुश होते हैं। मुझे बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर को देख करके प्रसन्नता होती है कि बुढ़ाऊ को देख करके हाथ में? देखो इसीलिए मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। और ये एक बार ये आपको आदत लग जाती है ना, फिर आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। बस यही अध्यात्म है, यही भगवद गीता का मैसेज है। अच्छा, आखिरी जो भगवान ने कहा था वही मैं कहता हूँ। विमृश एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा करो। हमने जो बताया है बताया, जब आपको मर्जी आए वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।